फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफस्टाइल। और आज मैं आप लोगों को ले चल रही हूं अमीनाबाद मार्केट। चलिए चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अमीनाबाद मार्केट और अभी एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमीनाबाद जो है लखनऊ की सबसे फेमस मार्केट है और ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर मिडिल क्लास फैमिली, हाई क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली सबकी डिमांड को अमीनाबाद पूरा करता है। यहां पर आपको सुई से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ सभी आपको यहाँ पर आराम से मिल जाता है। सभी कुछ अवेलेबल है और रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल है। और आज मैं आपको यहाँ की जो वीकली मार्केट है थर्सडे को लगती है वहाँ पर लेकर आई हूँ। तो मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए मैं आपको सभी चीज़ें दिखाती हूँ एक एक करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी पेंटिंग्स हैं और ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं और इनके प्राइस हैं 650। और यहाँ पर आप बार्गनिंग भी कर सकते हैं तो आपको कम भी कर देते हैं ये लोग। और मुझे ये हॉर्स वाली पेंटिंग काफ़ी अच्छी लग रही थी और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लग रही थी, और इसमें से आप कोई भी लें वो 650 की थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रे में चार बाउल हैं और उनमें चम्मच भी हैं और वो सिर्फ 100 रुपीज़ के हैं। और उसके अलावा ये ट्रे का सेट है, तीन ट्रे हैं इसमें और ये भी 100 रुपीज़ का है। तो इससे सस्ता और कहाँ मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, क्रॉकरी का सामान है तो ये भी काफ़ी रिजनेबल रेट पे थे, 100 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में, प्लेट्स जिस तरह से आप लेना चाहें, अलग अलग प्राइस थे सबके। तो काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल रही थी तो आप कुछ भी यहाँ से ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब भी आप अमीनाबाद मार्केट आएँ तो घर से एक बैग लेकर ज़रूर आएँ, क्योंकि मैं बैग भूल गई थी, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी पॉलीथीन में सामान देते हैं तो मैं भूल गई थी। तो यहाँ से मुझे एक बैग लेना था तो वही मैं देख रही थी और इसके प्राइस भी बहुत अच्छे हैं। और ये जो ब्लैक वाला भाई साहब मुझे दिखा रहे हैं वो 150 का है और ये भी बहुत सुंदर है। ये मार्ट में महंगा होता है बट यहाँ सस्ता है। भैया कितने की है? 60 रुपए की। और 100 रुपए। अच्छा, ये वाली कोई भी नहीं, कोई भी। ये कैसी लग रही है? तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, भाई साहब ने मुझे बताया कि ये सारी जो सैंडल और स्लीपर्स हैं ये 100 रुपए के हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन थी, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। ये कैसे हैं? ये 50 के 4 हैं मैम। ये भैया, ये 50 के हैं, 30 के लगे। 40 के दीदी, इसमें 75, वो हमने लाट जो उठाया था तो हम बेचे। वो बेचारे ठेले पे बेच रहे हैं, उसमें क्या कम करेंगे। नहीं भैया, आप 20 का बताओगे तो कहेंगे 5 कम कर दो। अभी हम लाट से उठा के लाए 30 के 4 ये दे रहे हैं। और क्या, इसमें थोड़ा कम करेंगे भाई ये। ये कॉटन है।
किलो पचास, दो किलो पचास। भैया ये आपके ये कितने की है? 60 रुपए की। सबके प्राइस एक ही है? हाँ, ये 60 रुपए का है। 60 रुपए का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बड़े झुमके हैं वो 100 रुपीज़ के हैं और जो उनसे थोड़े से छोटे हैं वो 60 रुपीज़ में हैं। लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहे थे, मेरा मन कर रहा था एक एक सेट सब में ले लूँ। और यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, छोटी बड़ी जो भी आप लेना चाहें सभी कुछ यहाँ पर मिल रहा है। देखिए मैं पूरी मार्केट आपको दिखा रही हूँ। और मैक्सी है और ये प्लाजो, सारी चीज़ें मिल रही हैं घर में पहनने वाले प्लाजो। और ये बच्चों के कपड़े हैं। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी मिल रहे हैं, आप यहाँ ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, कम प्राइस में मिलते हैं तो ये भी आप ले सकते हैं। और जहाँ लेडीज़ हों वहाँ पानी के बताशे ना खाए जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। देखिए ज़्यादातर लेडीज़ जो हैं, गर्ल्स हैं, वो झुमके देख रही हैं। और यहाँ पर जूती और वैलीज जो भी आप कहते हैं ये भी कम प्राइस में मिल रही हैं। और ये देखिए ये स्लीपर्स जो हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, बच्चों वाले भी हैं जो उनमें ये टेडी बियर या जो कुछ भी बने हुए हैं ये कितने प्यारे लग रहे हैं। और शूज़, सैंडल, स्लीपर, कम हील की, ज़्यादा हील की, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा 150-200 रुपये में, तो आप ले सकते हैं। कितने का भैया? ये कुशन 450 रुपए का 5। तो देखिए यहाँ पर ठेले पर छोटी छोटी सारी चीज़ें मिल रही हैं। और ये होली का सामान मिल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर प्लाजो, लोवर और क्लच, शमीज, बच्चों के लिए पैंटी। और ये देखिए नाड़ा, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं सभी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये देखिए सौंफ के पैकेट, ये सारी चीज़ें। भैया ये ब्राउन वाले कप कितने के हैं? ये ब्राउन वाले 50 के 6। शीशे वाले कप कितने के हैं? शीशे वाले 200 के। अच्छा और यहाँ पर देखिए प्लास्टिक के सारे सामान आपको मिल जाएंगे जो किचन में यूज़ होते हैं। तो A to Z यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यहाँ पर टोकरी, चाय की छन्नी और पानी की बॉटल्स, कुछ भी रखने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर हैं और कम प्राइस में हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। ये भैया जो चिप्स काटने का देखा था मैंने, कहाँ गया? नहीं नहीं ये वाला नहीं, वो चक्का। हाँ वो कितने का है? 550 रुपये। अच्छा ये स्टील की छन्नी ये कितने की है भैया? ये स्टील, हाँ 120 की है क्या छन्नी, जूस वूस छानने के लिए। और फ्रेंड्स मैं होली से कुछ दिन पहले यहाँ पर आई हूँ, तो होली में खाने पीने वाला सामान जो होता है, चिप्स, पापड़ और सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप कुछ भी यहाँ से ले सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम आ चुके हैं गड़बड़ झाले के पास, जहाँ पर ब्यूटी और से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती हैं आपको, नेकलेस और ब्यूटी प्रोडक्ट, चूड़ी, बैंगल्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर भी आप आकर ले सकते हैं। और देखिए ये प्लास्टिक के सामान हैं वो भी अवेलेबल हैं यहाँ पर। ये गड़बड़ झाला है जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी लेडीज़ देख रही हैं यहाँ पर सामान, आप देख सकते हैं नेकलेस और बैंगल्स, और काफ़ी रीज़नेबल रेट हैं। और ये देखिए ब्लाउज़ में लगाने वाले लटकन और लहंगे में लगाने वाले लटकन। भैया ये लटकन कितने के हैं? हेलो भाई साहब,
30 रुपए। कोई भी बड़ा वाला छोड़ के ये 150 का है बड़ा वाला। अच्छा अगर आप लोग लखनऊ आते हैं तो ये मेरा सजेशन है कि एक बार अमीनाबाद जरूर जाएं। तो फ्रेंड्स, अमीनाबाद में घूमते घूमते हमें 3 घंटे हो चुके हैं और फाइनली हम बाहर निकल रहे हैं। 500 और ये सोफ़े के कवर हैं जो ये भैया बता रहे हैं कि ये 550 रुपये के हैं। आप चाहो तो बार्गनिंग भी कर सकते हो तो रेट भी कम हो जाते हैं यहाँ पर। और लास्ट में निकलते निकलते मुझे ये सॉक्स दिख गए जो गर्मियों में पहने जाते हैं और ये 20 रुपीज़ के मिल रहे थे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा, अमीनाबाद कि ये मार्केट कैसी लगी, थर्सडे मार्केट, प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।